आज हीट के तीन फॉर्म पढ़ेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अच्छा, फिर इन तीनों का एप्लीकेशन और ये तीनों कैसे काम करते हैं कैंडल में या फिर एक लैंप में, तो वो भी देखेंगे। और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग एग्जांपल भी बताऊंगा। तो पहले पहले तीनों लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये तीन फॉर्म होते हैं हीट के। मैं थोड़ा डार्क कलर या स्केचमेन का यूज करता हूँ ताकि मैं सीधे एग्जांपल से शुरू करूंगा ताकि बोर ना हो और समझने में आसानी हो। ये एक कैंडल है, सिंपल कैंडल। ये उसका फ्लेम, ये कैंडल है, ये फ्लेम है। और अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि इसका जो ये फ्लेम है, ये फ्लेम, इसका शेप ऐसा क्यों है और इसका शेप का कारण इन तीनों में से ही कुछ मिलेगा। और आगे जो भी मैं डिस्कस करूंगा उन सब में ये तीन ही कारण होंगे, हीट का फ्लो, हीट। तो बेसिक सी चीज है कि हॉट एयर होगा कोल्ड एयर से हल्की होगी, यानी कि इसका वेट इसके वेट से हल्का होगा। ये भी लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ हॉट एयर इज लेस देन डेंसिटी, यानी कि घनत्व ऑफ कोल्ड एयर। सिंपल है, हल्की हवा भारी हवा से या फिर गर्म हवा हल्की होती है ठंडी हवा से, इसलिए हॉट एयर हमेशा ऊपर फ्लो करती है और कोल्ड एयर हमेशा नीचे। ठीक है, इसको भी जान दो। तो अभी ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं यहाँ पर, वो उस पर ध्यान देते हैं। कैंडल है, यहाँ पर एयर भी होगी, इन्वायरमेंट एयर। तो कैंडल की फ्लेम ने इन्वायरमेंट जो पास की जो इसके एयर होगी, इसके जो सबसे पास होगी, है ना, इसके जो सबसे पास एयर होगी, यहाँ पर जो एयर है उसको इस फ्लेम ने हीट किया, गर्म किया। तो एयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, देखे होंगे जब धूप पड़ता है तो देखे होंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो एयर के पार्टिकल्स कह सकते हैं उनको, वो हीट होंगे, हीट अप होंगे, गर्म होंगे। तो ये हवा गर्म हो गई, तो ये हवा गर्म होने के बाद क्या होगा, हवा गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ मूव करेगी, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। अच्छा, क्योंकि यहाँ की भी हवा ऊपर मूव करेगी, नहीं करेगी क्योंकि इसका हीट का असर यहाँ पर नहीं होगा, बस इस फ्लेम के जो पास एकदम जस्ट थोड़ा थोड़ा पास होगा वही एयर ऊपर मूव करेगी। अच्छा, तो ये तो सबसे पास वाली ज्यादा मूव करेगी, उससे पास वाली कम, उससे पास वाली कम, ज्यादा कम, कम बिल्कुल कम और फिर जीरो, बिल्कुल असर खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो इतना पता चल गया, इसके पास वाली एयर ऊपर मूव करेगी। अच्छा, तो ये एयर अब हीटेड हो चुकी, गर्म हो गई तो ऊपर मूव कर रही है, तो इसका फ्लो होगा, एयर जब ऊपर फ्लो कर रही है, इस फ्लो के कारण इस कैंडल की फ्लेम का शेप ऊपर की तरफ ऐसा हो गया। जब इनिशियली जलाते हैं उसके बाद थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाता है, वो टाइम बहुत कम होता है, तो इतनी देर में हीट अप होके फ्लो होने, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, फ्लो होती रहती है, होती रहती है, और इसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है तो पता नहीं चलेगा। तो सिंपल है, एयर का फ्लो होगा उसके कारण इसका शेप ही कुछ आ गया, पहली बात। दूसरी चीज जो हम सीख रहे हैं, आप हाथ रखना या कोई ऑब्जेक्ट रखना, अपना हाथ रखना इधर पे कुछ डिस्टेंस पे, आपको गर्माहट महसूस होगी। अच्छा, अब अपना हाथ यहाँ पर रखना, आपको गर्माहट महसूस होगी लेकिन बहुत कम। एक चीज ध्यान दी, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है, फिर भी यहाँ पर हमको हीट महसूस नहीं हो रही और यहाँ इतनी दूर पे भी, इसका कारण क्या है, तो अब वो समझते हैं। यहाँ पर हीट फ्लो करने का कारण क्या है, आपको यहाँ गर्मी कैसे पहुंच रही है जबकि फ्लेम तो यहाँ जल रही है, यहाँ गर्मी कैसे पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है, देखो इसने गर्म किया एयर को और ये एयर हो गई हॉट, और हॉट एयर कोल्ड एयर से लाइट होती है, यानी हल्की होती है, तो ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो ये जो एयर है, ये एयर आपको गर्म महसूस करवा रही है, तो ये गर्म जो एयर है उसके कारण आपको यहाँ पे गर्मी लगी। अच्छा, यहाँ पर क्यों नहीं लग रही, यहाँ एयर हमेशा ऊपर की तरफ फ्लो करती है ना कि साइड में, हॉट एयर की बात कर रहा हूं मैं, हल्की चीज ऊपर की तरफ मूव करती है ना कि साइड में, तो यहाँ पे आपको गर्माहट नहीं महसूस होती। अच्छा, तो अब सवाल आएगा, अच्छा महसूस तो होती होगी, अच्छा आपका सवाल होगा कि हाँ बात सही है, यहाँ पर हमको गर्माहट महसूस होती है ज्यादा, यहाँ पर कम होती है। अच्छा, तो अब दूसरा सवाल, यहाँ पर होती है लेकिन कम होती है, वो कम भी क्यों होती है जब एयर यहाँ फ्लो ही नहीं कर रहा, तो इधर इधर हीट कैसे पहुंची जबकि फ्लेम इधर, तो अच्छा तो उसका कारण जानते हैं। तो हीट तीन तरह से फ्लो करती है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, कंडक्शन,
कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है, सिंपल रोड लो, आयरन रोड या सिंपल कोई भी ऑब्जेक्ट, मेटल लेना, यहां पर हीट करो और यहां पर हाथ लगाना, आपको गर्माहट महसूस होगी। यहां पर गर्मी कैसे पहुंची, कंडक्शन के द्वारा इस ऑब्जेक्ट के अंदर फ्लो किया। ऑब्जेक्ट यहीं पर स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं कर रहा, रुका हुआ है, लेकिन इसके अंदर से हीट आपको पहुंची, ये कंडक्शन के द्वारा। कन्वेक्शन क्या होता है, जब ये मटेरियल ही या फिर जिसके अंदर से हीट ट्रांसफर कर रही है या मूव कर रही है, वही चीज मूव करने लग रही है। जैसे एयर, फ्लेम थी, इसने एयर को हीट दिया, अब ये एयर मूव करके ऊपर चले गई और यहाँ पे आपको हीट महसूस हुई, तो ये हो गया कन्वेक्शन। तो यहाँ पे हीट कैसे पहुंच रही है, कन्वेक्शन। अच्छा रेडिएशन, अब रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन हर एक बॉडी देती, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेडिएशन। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी रेडिएशन महसूस होता है, लेकिन वो बहुत कम, पता ही नहीं चलेगा। 25 डिग्री पे भी होता है, 100 डिग्री पे भी होता है और 1000 डिग्री पे भी होता है और भी ज्यादा। तो देखा होगा जब आयरन रोड बहुत गर्म होती है तो यहाँ पे अपन साइड में हाथ रखते हैं, तो गर्मी रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है, लाल रंग हो जाता है रेडिएशन के द्वारा, उसको छोड़ो। तो यहाँ पर जो हीट पहुंच रही है वो रेडिएशन के द्वारा पहुंच रही है, ये फ्लेम है, यहां पर हाथ रखा, यहां पर हाथ रखा, यहां पर हीट कैसे पहुंची, यहां पर हीट पहुंची, ये पहुंची रेडिएशन के द्वारा, यहां पर कैसे पहुंची, कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन के द्वारा। यहां पर सिर्फ रेडिएशन, यहां पर सिर्फ कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों के द्वारा, इसलिए यहां पर ज्यादा हीट है। रेडिएशन का हीट बहुत कम होता है जब तक इसका टेम्परेचर कम रहता है। जैसे इस फ्लेम का टेम्परेचर अराउंड 2000 डिग्री होगा या 3000, इसके आसपास ही रहता है, तो इसका हीट ज्यादा नहीं होता है, नहीं महसूस होगा। लेकिन जब ये टेम्परेचर 10000 डिग्री पहुंचेगा, जब इसका हीट आपको थोड़ा महसूस होना शुरू होगा, जब तक इसका हीट ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहता, इस कारण से यहाँ पे आपको हीट महसूस नहीं होता और यहाँ पर हीट महसूस ज्यादा होता है। अब इसका एप्लीकेशन और एक जो मैं लास्ट में फिनोमिना बता रहा था उसको ध्यान देते हैं। सर्दियों में लैंप जलाते हैं, दीपक दिया, उसमें घी रखते हैं। अच्छा तो हमने ध्यान दिया होगा ये पूरा नहीं जलता, घी जम जाता है, घी जम जाता है कुछ देर में धोने के बाद, और ये बंद हो जाता है घी जमने के बाद, क्योंकि फ्यूल सप्लाई नहीं हो रहा। अच्छा तो दिमाग में सवाल है, यहाँ पर हीट मिल रही है फिर भी घी कैसे जमा, उसका सिंपल आंसर यही है, रेडिएशन। यहाँ पर जो हीट मिल रही है वो सिर्फ रेडिएशन के द्वारा मिल रही है, सिर्फ रेडिएशन, नो कन्वेक्शन, नो कंडक्शन, और कंडक्शन बहुत कम होगा क्योंकि इसका थर्मल कंडक्टिविटी, उस पर मैं बाद में डिस्कस करूंगा, मैं उस पर भी नहीं जा रहा, पर इसमें कन्वेक्शन नहीं होता, सिर्फ रेडिएशन, और रेडिएशन का पता चल ही गया होगा, थोड़े से डिस्टेंस पे बहुत ज्यादा हीट नहीं होती है, तो इसलिए ये जम जाता है, इसका हीट सफिशियंट नहीं होता है। आज हमने ये सीखा कि हीट का फ्लो कैसे होता है, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। अच्छा तो कैंडल का शेप ऐसा क्यों होता है, एयर का फ्लो क्यों, क्योंकि एयर पार्टिकल्स को हीट ट्रांसफर होता है और वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि लाइट एयर कोल्ड एयर से हल्का होता है, कोल्ड एयर लाइट होता है कोल्ड एयर से, ऊपर की तरफ मूव करेगा तो फ्लो होगा तो शेप ऐसा आ जाएगा। अच्छा ऊपर हीट ज्यादा क्यों मिलता है, क्योंकि ऊपर कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन दोनों होता है, साइड में कम क्यों मिलता है, क्योंकि सिर्फ रेडिएशन होता है, रेडिएशन का इंपैक्ट कम होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, तो इसका इफेक्ट ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो ये सिंपल रीजन है, और इसका एप्लीकेशन लैंप पे देख लिया होगा, यहाँ पर क्यों ये जम जाता है, क्योंकि यहाँ पर हीट सिर्फ रेडिएशन के द्वारा मिलती है और जो कि बहुत कम होती है। थैंक यू, दैट्स इट।